मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से आपसे रूबरू हो रहा हूं। और जैसा कि मैं पीछे आपको क्लास देता रहा हूं और कुछ दिन से मेरा तबीयत ख़राब था और कुछ स्मार्ट बोर्ड का भी इंतज़ार था मुझे, और ये भी आ गया और मेरा आप लोग की दुआ और दया कहिए, उससे मेरी तबीयत भी ठीक हो गई और मैं आज पुनः आपके सामने एक नए चैप्टर के नए टाइप के साथ मिल रहा हूं। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ चैनल का क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं अगर किसी तरह का खामी हो तो उसको ज़रूर लिखिए कमेंट में, ताकि मैं उस चीज़ को दूर करके आपके लिए बेहतर कर सकूं। और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए बेहतर काम करता रहूं। और आज मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज़ का मैं क्लास देना चाह रहा हूं, वो क्लास है कोडिफिकेशन, जिसको कि कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं या संकेतबद्धता या कूट भाषा भी कहा जाता है। आइए इसका जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें उसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में आज देखेंगे एडवांस कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। एडवांस कोडिंग डिकोडिंग क्या है वो जान लीजिए पहले। आजकल क्या है कि एग्जाम दर एग्जाम कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में एक परिवर्तन हो रहा है, नया तरह का क्वेश्चन लाया जा रहा है। उसी में बैंक में SBI PO कह लीजिए या फिर IBPS PO कह लीजिए या ग्रामीण बैंक कह लीजिए, हर एक तरह के बैंक एग्जाम में एक्सपेरिमेंट हुआ है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में, और उसमें एक नए तरह के क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया गया है। और इस क्वेश्चन को मैं आज आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, और अंत तक देखने से आपको महसूस होगा कि आज के दिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कदर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख जाइएगा कि लाइफ में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम लोग इस एडवांस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता किस तरह का है वो जानते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि आपको एक सेंटेंस वर्ड से बना हुआ सेंटेंस दे देगा, और प्रत्येक वर्ड का कोडिंग जो रहता है उसमें आपको लेटर रहेगा, नंबर रहेगा और सिंबल रहेगा। यानी लेटर, नंबर और सिंबल का यूज करके वर्ड का कोड दिया हुआ रहता है, और आपको जो क्वेश्चन देगा, जो वर्ड आपको निर्देश में क्वेश्चन में रहेगा, वो जरूरी नहीं कि आपका जो है वही क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन में, वही वर्ड, वो दूसरा वर्ड भी हो सकता है, दूसरे तरह का भी वर्ड आ सकता है। हम लोग को क्या करना है कि पकड़ना है किस तरह से कोडिंग किया हुआ है। तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे, इस चीज को समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं, इस पर कुछ ट्रिक्स, हिंट्स, पॉइंट्स आप लोग को बताते हैं, समझाते हैं, आइए उस पर गौर करते हैं। देखिए यहां पर जैसे मान लिया जाए, यहां देखिए अक्षर के लिए है ट्रिक दिया हुआ आपको, और आपको ये अक्षर के लिए हो गया, ये संख्या के लिए है और ये प्रतीक के लिए है। अभी आपको हमने बताया कि वर्ड का कोडिंग तीन चीज से करके देगा, तीनों चीज का डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूं कि किस तरह से कर सकता है कोडिंग, आपको किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। पहला चीज, कोड में अगर लेटर का यूज करता है तो देखिए शब्द का प्रथम अक्षर, किसी भी शब्द का जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा शब्द, उस शब्द का पहला लेटर हो या लास्ट लेटर से कोड करके लेटर दिया रहेगा, या फिर शब्द के प्रथम या अंतिम अक्षर में जो शब्द दिया रहेगा, उस शब्द का पहला लेटर हो या लास्ट का लेटर हो, उसमें क्या करेगा, लेटर के पोजीशन, समझ लीजिए अगर बाएं से पोजीशन, सी का पोजीशन तीन है, प्लस उसमें एक कर दिए, तीन एक चार हो गया, यानी चौथा लेटर डी ले लेगा। इस तरह से आपको प्लस वन या माइनस वन करके कोडिंग करके लेटर दिया हुआ रहेगा, या फिर कोई भी शब्द है दिया हुआ, शब्द का थर्ड लेटर यानी तीसरा लेटर बाएं से आप काउंट करिएगा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा लेटर से भी कोड करके दिया रह सकता है। या फिर चौथे नंबर पे आइए, शब्द के प्रथम या अंतिम अक्षर, शब्द का पहला लेटर जो है उसका अपोजिट, अपोजिट लेटर आपको सिखाए हुए अल्फाबेट में कैसे करते हैं, किसी भी लेटर का बाएं से पोजीशन को 27 पुरा दीजिए, अगर जितना जोड़ के वो अपोजिट लेटर उसका होता है, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, 26वां लेटर यानी ए होता है पहला, तो 26वां होता है जेड, यानी ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, एक और 26 27 हो जाता है इसके आधार पर। या फिर अंतिम अक्षर ही होगा उसका ही अपोजिट लेटर ले सकता है। अब
शब्द में अगर अक्षर का यूज करेगा तो हम लोग किस किस चीज को देखेंगे, वो चीज को आप लोग देख लिए। प्रथम या अंतिम अक्षर रहेगा कोड के रूप में, प्रथम या अंतिम अक्षर में प्लस वन या माइनस वन करके रह सकता है, या शब्द का तीसरा अक्षर रह सकता है, या फिर शब्द का प्रथम या अंतिम अक्षर का विपरीत अक्षर रह सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं संख्या के बारे में। अगर संख्या रहेगा, नंबर रहेगा, डिजिट दिया हुआ रहेगा, तो वो किस तरह से आएगा। अब देखिए, शब्द के अक्षरों, कोई भी शब्द दिया हुआ है, जैसे हम यहां पर लिखते हैं डेन, डी ई एन, इसमें देखिए कितना लेटर आपको दिया हुआ है, थ्री लेटर्स, तो आपको कोड के रूप में तीन यूज कर सकता है। उसी प्रकार शब्द का तीसरा अक्षर जो है, मतलब शब्द के अक्षरों की संख्या कोड के रूप में दिया रह सकता है। दूसरा चीज आपका है शब्द का प्रथम या अंतिम अक्षर का बाएं से स्थान क्रम, शब्द का कोई भी शब्द या हो, उसका पहला लेटर ले लीजिए या लास्ट लेटर ले लीजिए, उसका बाएं से या दाएं से पोजीशन के हिसाब से नंबर दिया हुआ रहेगा कोड के रूप में। या फिर कह लीजिए तीसरा पॉइंट आपका है शब्द के अक्षरों की संख्या, शब्द में जितना अक्षर की संख्या है उसमें किसी कॉमन नंबर से, यहां हम गुना तीन लिख दिए हैं, किसी भी कॉमन नंबर से गुना करके, एक से नौ तक के नंबर से गुना करके दे सकता है। जैसे यहां तीन लेटर था, तीन में अगर हम गुना तीन कर देते हैं तो कितना आ जाता है, नौ आ जाता है आपका। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि आपको कोड करके नौ दे सकता है। अब चौथा चीज आपका यहां पर जो दिया हुआ है उसमें है शब्द के प्रथम या अंतिम अक्षर के बाएं से स्थान क्रम, प्लस दस या माइनस, यही बात देखिए, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर प्लस और माइनस है, किसी भी कॉमन नंबर को उठा लीजिए, शब्द का प्रथम या अंतिम अक्षर होगा, बाएं से या दाएं से उसका पोजिशन होगा, उसमें प्लस करके किसी कॉमन नंबर से, या फिर किसी कॉमन नंबर को माइनस करके कोड करके दिया रह सकता है। अब पांच नंबर देखिए, पांच नंबर दिया है शब्द के प्रथम या अंतिम अक्षर के बाएं से स्थान क्रम का योगफल। अब शब्द का जो है प्रथम या अंतिम अक्षर जो है वो आपको दिया हुआ है, उसका पोजीशन ले लीजिए, उसके अंकों का योगफल कर दीजिए, उसका एडिशन, एडिशन करके भी कोड आपको दिया रह सकता है। तो ये तो हुआ आपका अक्षर होगा तो पकड़ेंगे किस तरह से दिया रहेगा, या फिर संख्या दिया रहेगा तो किस तरह से रहेगा। अगर लेकिन प्रतीक आएगा तो क्या करेंगे, जब बाबू हम लोग अक्षर जान जाएंगे निकालना, अगर हम संख्या निकालना जाएंगे जान जाएंगे, तो बचता है प्रतीक चिन्ह के बारे में। प्रतीक चिन्ह हमेशा कॉमन पार्ट से, आपको क्या करना है, शब्द एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कॉमन शब्द को चुनना है, और कॉमन शब्द से आप कॉमन कोड निकाल सकते हैं प्रतीक चिन्ह को, यानी कॉमन पार्ट से आप प्रतीक चिन्ह का कोड निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि अगर कोडिंग डिकोडिंग के, एडवांस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में अगर कोड करके दिया रहेगा लेटर नंबर और सिंबॉल से, तो किस किस रूप में होगा, इस चीज के बारे में हिंट्स जाने, ट्रिक्स जाने, और इसको अगर आप ध्यान में रखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आइए इस पर हम लोग एग्जांपल से देखते हैं क्वेश्चन इसका। यहां देखिए आपका क्वेश्चन ये है दिया हुआ, जो कि कहता निर्देश नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित कोड व्यवस्था के आधार पर दें। आपका कोड व्यवस्था देखिए ये दिया हुआ है, गॉड सरप्राइज फैन पिकॉक को लिखा हुआ हैशटैग, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहां इस सेंटेंस के लिए कोड दिया हुआ, ये सेंटेंस के लिए कोड, और इस सेंटेंस के लिए कोड। आपको देखिए यहां प्लम्बर दिया हुआ, प्लम्बर कहीं वर्ड है इसमें नहीं है। आपका यहां फीटर दिया, कहीं ये वर्ड है इसमें नहीं है। आपका यहां प्रकाश दिया, कहीं इसमें वर्ड है नहीं है। हम लोग को पकड़ना है किस तरह से कोडिंग किया हुआ है। अब यहां देखिए सबसे पहला काम, हम लोगों को कोड में नंबर को पकड़िए, नंबर जो कोड किस तरह से किया गया है। जैसे देखिए यहां पर नंबर दिया हुआ है आपका, यहां पर तीन लिखा हुआ है, यहां पर चार लिखा हुआ है, यहां पर सात लिखा हुआ है, यहां पर आठ लिखा हुआ है। तो ये नंबर किस तरह से कोडिंग है। अब देखिए यहां पर चार लेटर का भी शब्द है, तो यहां पर चार है, यहां पर देखिए चार तीन कितना, चार चार आठ लेटर का शब्द है, तो आठ भी यूज किया हुआ है, तीन लेटर का शब्द है, तीन भी यूज किया हुआ है, और यहां पर देखिए सात लेटर का शब्द है, सात भी यूज किया हुआ है। इससे आप क्या पकड़े, किसी भी शब्द का कोड नंबर आया है, शब्द के अक्षरों की संख्या आया हुआ है। अब आप देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालिए, यहां पर लेटर की संख्या एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी आपका कोड में क्या होना चाहिए, नंबर सात होना चाहिए, नंबर रख लिए। अब आइए यहां पर इसमें कितना है, एक दो तीन तीन छह है, तो नंबर हम इसमें छह रख लिए। अब इसमें देखिए कितना है, चार तीन सात है, तो नंबर इसमें, एक बार में सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका इजिली। अब यहां पर देखिए
नंबर लेटर, नंबर पकड़ पता चल गया लेटर। जैसे यहां तीन है तो तीन आया होगा फैन के लिए ही, फैन का देखिए लास्ट लेटर एन है तो यहां एन लिए, गॉड का लास्ट लेटर टी है तो फोर वाला के लिए टी दिया हुआ, यहां देखिए आठ लेटर के लिए ई लिया हुआ, सरप्राइज का लास्ट लेटर ई है, पीकॉक का लास्ट लेटर के है तो यहां पर के लिया हुआ, यानी लेटर जो कोड के रूप में आया हुआ है शब्द का अंतिम अक्षर आया हुआ है, यानी प्लम्बर का अंतिम अक्षर क्या है आर है आर ले लिए, और फीटर का अंतिम अक्षर क्या है आर ले लिए, और प्रकाश का अंतिम अक्षर क्या है एच है तो एच ले लिए। लेटर निकल गया, नंबर निकल गया, अब बचा सिंबल। आप गौर कीजिए जितने भी यहां सिंबल दिए हुए हैं चार ही तरह का सिंबल, हैश एट द रेट परसेंटेज स्टार, चार ही तरह का लेटर यूज किया हुआ है। और आप शब्द भी देखिए, जी से आरंभ होने वाला, एस से आरंभ होने वाला, एफ से आरंभ होने वाला, पी से आरंभ होने वाला, सारा शब्द आपको वही मिलेगा, एस पी एफ और जी से स्टार्ट होने वाला शब्द। अब हमको पकड़ना है, जैसे यहां पर चार लेटर था तो चार के लिए एट द रेट, यानी जी के लिए क्या हो गया एट द रेट, सरप्राइज में यहां पर आठ लेटर है आठ के लिए स्टार आया है यानी एस के लिए स्टार हो गया, एफ के लिए क्या हो जाएगा तीन वाला यानी हैस्ट्रिक हो गया, पी के लिए क्या हो जाएगा आपका पी के लिए यहां पर है सात लेटर तो सात हो गया परसेंटेज हो गया। अब यहां देखिए पी है, पी के लिए क्या दे देंगे हम परसेंटेज, हमारा आंसर क्या हो गया परसेंटेज सेवन आर, परसेंटेज आर सेवन ए नंबर विकल्प आपका आंसर बन गया। अब दूसरा नंबर है फीटर है, पहला लेटर क्या दिया हुआ एफ, अब देखिए एफ कहां है हमारा, एफ हमारा यहां पर है फ्यूज में, चार लेटर है देखिए चार इसमें है, एफ के लिए क्या आया हुआ है हैस्ट्रिक आया हुआ है, हैस्ट्रिक यहां पर लिख दिया हम हैश आर सिक्स आपका देखिए हैश आर सिक्स दो नंबर विकल्प में है, आपका आंसर हो गया दो नंबर विकल्प। अब प्रकाश में देखिए पहला लेटर क्या है पी दिया हुआ है, अब यहां देखिए पी कहां पर है पीकॉक में, पीकॉक का सात लेटर है सात लिख क्या है परसेंटेज, यानी यहां पर हम ले लेंगे पी के लिए परसेंटेज आपका हो जाएगा परसेंटेज एच सेवन, परसेंटेज एच सेवन बी नंबर विकल्प आंसर है आपका। अब आपका ये तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप समझ गए तो आप इसको अपने चैनल में जाकर के बैक करके पुनः क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग अपने से प्रैक्टिस के लिए इसको। आइए हम फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आगे का हमारा क्वेश्चन है चार से छह नंबर क्वेश्चन, इसमें भी दिया हुआ है आपका ये सब सेंटेंस और ये कोड दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए क्या है, आपको यहां पर दो लेटर है एक सिंबल है और एक नंबर है, तो आपको सबसे पहले पकड़ना है नंबर, यहां पर देखिए नंबर दिया हो एट, यहां अट्ठाईस है, यहां अड़तीस है, यहां तेरह है। अब देखिए ऑल में पहला लेटर ए है और लास्ट लेटर एल है, ए का पोजीशन बाएं से होता है एक, एल का पोजीशन बाएं से होता है बारह, बारह और एक को जोड़िएगा कितना हो जाएगा तेरह हो जाएगा, तेरह देखिए दिया हुआ है ना। अब यहां पर आपका दिया हुआ है पहला लेटर अठारह और लास्ट लेटर टी है, अठारह और टी का पोजीशन बीस होता है, अठारह बीस कितना हो गया थर्टी, थर्टी आपका देखिए यहां पर दिया हुआ है। अब इसको देखिए नौ और उन्नीस, नौ और उन्नीस को आप अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा अट्ठाईस हो जाएगा, अट्ठाईस आपका दिया हुआ है इसमें, यानी कि आप इससे समझ गए हैं कि नंबर जो आया हुआ है वो क्या आया, और पहला और लास्ट लेटर का बाएं से पोजिशन को ऐड करके नंबर दिया हुआ। यहां देखिए डी है तो चार चार कितना हो जाएगा, डी के लिए चार और चार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, यानी नंबर लिख लिया आठ। इसमें है नौ और पांच है, नौ पांच कितना हो जाएगा चौदह, यानी नंबर हो जाएगा चौदह। इसमें सोलह और पांच है, सोलह पांच कितना हो जाएगा इक्कीस, नंबर हो जाएगा आपका इक्कीस। अब आइए लेटर को पकड़ते हैं। एक चीज और, इसमें सिंबल पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए दो ही तरह का सिंबल यूज है, हैशटैग और एट द रेट ऑफ। अब हैश और एट द रेट ऑफ किस तरह से होगा, जब भी दो तरह का सिंबल हो समझ लीजिए उस ऑड इवेंट पे क्वेश्चन होता है, यानी शब्द के लेटर की संख्या सम, शब्द के लेटर की संख्या विषम। अब देखिए यहां पर दिया हुआ तीन लेटर, तीन क्या है सम है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। यहां पर तेरह के लिए देखिए क्या दिया हुआ है विषम संख्या के लिए एट द रेट, बाकी सारा देखिए इसमें कितना है छह लेटर है, इसमें दो लेटर है, इसमें आठ लेटर है, सारा सम संख्या है। सम लेटर की संख्या रहेगा तो हैश, विषम लेटर की संख्या रहेगा तो एट द रेट ऑफ। यहां देखिए कितना है आपका लेटर है तीन तीन छह दो आठ, यानी हो जाएगा आपका क्या हैश। और यहां पर देखिए कितना लेटर है तीन तीन छह तीन नौ, यानी हो जाएगा एट द रेट ऑफ। उसके बाद यहां पर देखिए चार तीन सात, सात के लिए कितना हो जाएगा आपका एट द रेट ऑफ।
ये निकल गया। अब आइए लेटर को पकड़ते हैं। यहां देखिए आपका ए है और यहां पर आप पकड़े थे 13, तो यहां लास्ट का लेटर जो एल है, अगर एल का अपोजिट लेटर देखें, एल का अपोजिट लेटर क्या होता है, ओ होता है। देखिए पहला लेटर है ना, यानी फर्स्ट लेटर जो है कोड का, उस शब्द का लास्ट लेटर का अपोजिट लेटर है। टी का अपोजिट एच होता है, फर्स्ट लेटर देखिए एच है। एस का अपोजिट एच होता है, देखिए फर्स्ट, टी का अपोजिट जी होता है, टी का अपोजिट जी होता है ये, और एस का अपोजिट एच होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। उस तरह से आप लोग यहां डी का अपोजिट लेटर हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट लेटर के लिए निकाले तो यहां पर डब्ल्यू आ गया। यहां पर आप निकाल सकते हैं ई का अपोजिट लेटर भी, यानी फर्स्ट लेटर हमारा भी हो जाएगा, और यहां भी ई का अपोजिट निकाले, फर्स्ट लेटर हमारा भी हो जाएगा। अब आइए हम लोग सेकेंड लेटर को देखते हैं। सेकेंड लेटर यहां एफ आपका दिया हुआ, यहां के दिया, यहां ये दिया। अब यहां देखिए पहला लेटर जो ए है, अगर उसमें हम प्लस टू करते हैं, ए में प्लस टू कर, ए का पोजिशन वन होता है, दो जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा, यानी तीसरा लेटर सी आ गया। अब यहां देखिए पहला लेटर है आर, आर में दो जोड़ेंगे 18, दो 20, यानी 20वां लेटर टी हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए फर्स्ट लेटर है आई, आई 9, दो 11, यानी के आ जाएगा आपका। पहला लेटर डी है 4, दो 6, 6 आ गया। यानी फर्स्ट लेटर में प्लस टू करते हैं तो सेकेंड लेटर कोड का आता है। यहां देखिए 4, 2, 6 ये आ गया आपका। यहां पर 9, 2, 11 यानी के, यहां पर 16, 2, 18 यानी आर। अब सारा क्वेश्चन का आंसर देख लिए, डब्ल्यू एफ हैश 8, यानी एक नंबर विकल्प हो गया इसका आंसर। दूसरा का भी के एट द रेट ऑफ 14, भी के एट द रेट ऑफ 14, देखिए ए नंबर इसका भी आंसर हो गया। इसका भी आर एट द रेट ऑफ 21, भी आर एट द रेट ऑफ 21, इसका भी आंसर हो गया ए नंबर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ गए, किस तरह से निकालना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को। अब आइए इसका एक और क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 से 10 नंबर। इसमें आपको ये सेंटेंस का देखिए कोड करके दिया हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लेटर नहीं कोड में दिया हुआ, कोड में यहां देखिए लेटर का यूज है नहीं किया हुआ। आपको दो सिंबल है, दो डिजिट है, दो सिंबल और दो डिजिट का यूज किया हुआ है। अब देखिए डिजिट कैसे आया हुआ, पहला का हमारा डिजिट पकड़ना है, पकड़ेंगे। पहला लेटर आर है, आर का पोजिशन 22 से 18 होता है, 18 देखिए कहीं पर है, 18 में अगर हम आर का पोजिशन अगर 18 है, 18 में अगर हम गुना 3 कर लेते हैं कितना हो जाता है 54, यानी 54 हो जाता है। देखिए 5 और 4 को मिलाइएगा 54 हो जाएगा ना। उसी प्रकार यहां 13 तिया 39, 3 और 9 को मिलाएंगे 39 हो जाएगा, 12 तिया 36, 3 और 6 को मिलाइएगा 36 हो जाएगा, 17 तिया 51, 5 और 1 को मिलाइएगा तो 51 हो जाएगा। यानी नंबर किस तरह से आया पता चल गया होगा आप लोग को। यहाँ 18 है, 18 तिया 54, अल्टरनेट में रखिए 54 को, 21 तिया 63, अल्टरनेट में रखिए इसको, ये है आपका यहाँ पर 2, 2 तिया 6 यानी 06 रखिए अल्टरनेट में यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पर एन है 14 तिया 42 यानी 4 और 2 रखिए अल्टरनेट में। अब आगे हमारा जो दिया हुआ है पकड़ना है सिंबल को। पहला सिंबल जो है आपका वो देखिए, शब्द का पहला लेटर यहां पर आर है, सिंबल तो कहीं नहीं मिल रहा है। अब देखिए पहला सिंबल कहीं पर कॉमन आ रहा है, कहीं पर भी पहला सिंबल कॉमन नहीं है, लेकिन लास्ट का सिंबल देखिए यहां एक्सप्लेनेशन का चिन्ह है, यहां भी एक्सप्लेनेशन का चिन्ह है, यानी लास्ट के सिंबल से हम लोग, और यहां भी एक्सप्लेनेशन का चिन्ह है, यानी लास्ट के सिंबल से हम लोग पकड़ सकते हैं कि हमारा जो है कोड जो है सिंबल जो है सेकेंड सिंबल वो किस चीज के लिए कोड दिया हुआ है। अब यहां देखिए जैसे आप 54 किए, 54 का सेकेंड लेटर क्या है, ई है। जैसे यहां पर 14 तिया 42 होगा, एन के लिए सेकेंड लेटर इसका भी देखिए ई है, और यहां पर आपका 78 यानी 26 इसका भी सेकेंड लेटर ई है। यानी आपका जो है सेकेंड सिंबल जो है शब्द के सेकेंड लेटर के लिए आया हुआ है। इसका देखिए सेकेंड लेटर क्या है, ई है, यानी सेकेंड आपका जो कोड होगा वो एक्सप्लेनेशन का चिन्ह होगा ई के लिए। यहां सेकेंड लेटर एम है, अब सेकेंड लेटर एम हम ढूंढिए, यहां पर अम्ब्रेला में है, 21 तिया 63 यानी हैश एंड होना चाहिए, यानी सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब यहां देखिए आपका सेकेंड लेटर ई दिया हुआ है, यानी एक्सप्लेनेशन का चिन्ह चाहिए,
यहाँ भी सेकंड लेटर ई दिया हुआ है, एक्सपांशन का चिन्ह चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, शब्द का फर्स्ट लेटर आर है उसके लिए परसेंटेज, फर्स्ट लेटर एम है उसके लिए एक्सपांशन का चिन्ह, फर्स्ट लेटर एल है उसके लिए स्टार का चिन्ह, फर्स्ट लेटर क्यू है उसके लिए गुना का चिन्ह, फर्स्ट लेटर वी है डॉलर, फर्स्ट लेटर यू है हैश, फर्स्ट लेटर एस है एक्सपांशन, और उसी प्रकार आप आगे देखिएगा एन है तो उसके लिए बराबर नहीं का। तो आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो यहां पर आर का यूज है, आर के लिए क्या आ जाएगा परसेंटेज, यानी यहां पर हम रख देते हैं परसेंटेज, इसका कोड क्या हो जाएगा 5% 4 एक्सपांशन का चिन्ह, ए नंबर विकल्प आपका आंसर बन गया। और यहां पर यू है तो यहां पर देखिए 21 63 क्या दिया हुआ है, हैश दिया हुआ है, यानी यू के लिए हैश लिख दिए, यानी 6 3 एंड आपका बी नंबर विकल्प में दिया हुआ है। और यहां पर देखिए पहला लेटर बी दिया हुआ है, इसमें बी आपको कहीं दिया हुआ है ही नहीं। और यहां देखिए 06 और एक्सपांशन का चिन्ह, 06 एक्सपांशन इसमें भी है, यहां पर भी है, और 06 एक्सपांशन इसमें भी है, यानी आपका जब भी होगा आंसर तो यही दोनों होगा। और इसमें आप देखिए इसमें से लेस देन का यूज जो है, इसमें कहीं भी लेस देन का यूज किया हुआ है, आप देखिए कहीं भी लेस देन का यूज नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन का यूज है। अगर ग्रेटर देन यहां है 15 43 45 यानी ओ के लिए होगा, जब बी यहां पर नहीं है तो बी के लिए हम लेस देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक नया लेटर आया हुआ है तो नया सिंबल हम यूज कर लेंगे। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर ए आंसर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए आपका नेसेसरी में देखते हैं, फर्स्ट लेटर एन दिया हुआ है, एन का कोड देख लीजिए यहां से, यहां देखिए 14 43 42 यानी बराबर नहीं, यहां पर बराबर नहीं दे दिए, यानी 4 बराबर नहीं 2 एक्सपांशन का चिन्ह, कहीं भी देखिए बराबर नहीं का चिन्ह दिया नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। और इस तरह से एडवांस कोडिंग रिकॉर्डिंग का जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में उसको मैं बेहतर समझाने का प्रयास किया हूं, और जितना मैं ट्रिक आपको बताया हूं कि सिंबल आएगा तो क्या होगा, लेटर आएगा तो क्या होगा, नंबर आएगा तो क्या होगा, इस सारे चीजों को अक्षर सा ध्यान देकर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ क्लास आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और आपका लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका वहां से जाके आप लोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस चीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इजीली। आप ढेर सारा कमेंट्स कीजिए, ढेर सारा लाइक कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।